स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बांदा के बबेरू में आपसी रंजिश में युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक 25 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर पुलिया के पास शव फेंक दिया गया। जैसे ही परिजनों ग्रामीणों ने शव देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की पुलिस जांच में जुट गई है। परिजनों के शक के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। चित्रकूट धाम संभाग ब्यूरो बालकृष्ण पांडे की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? अच्छा, किस प्रकार की घटना हो गई? मृतक कौन है आपका? दो भतीजा है सर। क्या नाम था उसका? समर जी। अब यहाँ से जब गए दो तीन, साथ में चाचा था, पिताजी था, तो वहाँ दवाई कराने लिवा जाते थे। बुखार आई कहाँ लगा रहे थे? वहाँ बीच में सीरी खाने लगे, दुकान में रह गए, पीछे वो आगे निकल गया लड़का। बीच ने मैं देखा तो घटना हो गई। जब यहाँ वहाँ देखा कि कोई देखने लगे कि लड़का किधर गया, कहना हो गया, बताया कि इधर नहीं आया, तो वहाँ खोजने लगे सब, तो वहाँ पे मारा पड़ा था। इतने पता होगा किस जगह मारा पड़ा था? वो जंगल में, नाले में। अच्छा, कैसे वार किया गया था? अब ये फरसा थी साहब, चाकू चाकू थोड़ा सा पटा पड़ा है वहाँ, इतना चाकू। कितने लोग? ये वहाँ चाचा था एक, पिता साथ में, और बिटिया थी छोटी सी। विवाद यही था साहब, जो खपरी में मार दिया। क्या नाम है आपका? ब्रजलाल यादव, लोहारी। कहाँ रहते हैं? लोहारी। अच्छा, किस प्रकार की घटना हुई आज? ये घटना सर, ये दवा कराने जा रहे थे, यहाँ से घर से निकल गए थे, तो मतलब यहाँ आगे कलहना गांव पड़ता है, तो वहाँ मतलब एक चाचा इनका था, तो वो आगे निकल गया था। पिताजी और ये लड़का समरजीत दोनों मतलब इसी गांव में गुटखा पान करने लगे थे, तो मतलब समरजीत भी निकल गया, पिताजी रह गए पीछे। समरजीत जब निकल गया तो वो बीच में न चाचा के पास पहुँचा न पिताजी। पिताजी जब इधर से पहुँच गए, पूछा से चाचा से मतलब कहाँ है लड़का, बोले कि यहाँ नहीं है। जब जंगल में ये दूसरे मतलब आने जाने लगे, ढूंढ खोज किया, तो खोज जब किया तो इनको आवाज आई जंगल से, तो ये जब दोनों आदमी वहां जाके देखा, उसके बीच उसकी लाश मिली। शक इनका ये बताया, घर वाले बता रहे हैं कि 10 दिन पहले इनका विवाद हुआ था, किसी से मारपीट हो गई थी, मतलब कलहनावा गांव से। तो उन्हीं लोगों का ये बता रहे हैं कि संता और इनके मतलब जो लड़के हैं, तीन लड़के, उन्हीं को बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब मार के फेंक दिया है। विवाद कोई जानवर पीछे हुआ था। कुछ पुलिस ने कार्रवाई की थी? पुलिस कार्रवाई मतलब यही बता रहे थे कि मतलब हुई है कार्रवाई। आज दिन में करीब 11-12 बजे के आसपास एक डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कलेनुआ गांव मजरा अनौसा के पास में गडरा नाला है, उसके पास में ही जो है एक व्यक्ति जिसका नाम राम नरेश है, जो रहने वाला रंगौली का है, उसका गला कटा हुआ है। और ये जो सूचना देने वाले ने यह बताया कि ये व्यक्ति ने अपना खुद ही गला काट करके आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर जो है तत्काल वहाँ मौके पर पीआरबी और स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँची और मौके पर छानबीन की। छानबीन से यह पाया गया कि जो है ये मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में प्रतीत हो रही है और इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। परिजनों से इस घटना के बारे में तहरीर ली जा रही है, तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तथा उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए जो है उसको भेज दिया गया है। मौके पर जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है, जैसे ही तहरीर प्राप्त हो जाएगी अभियोग पंजीकृत करके इसमें तदनुसार जो है पूरी तहकीकात करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।